भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, पार्षदों तथा कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के निर्वाचित सभापति नरेश कनौजिया को राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की ओर से दूसरी बार निलंबित करने को द्वेषतापूर्ण कार्यवाही बताया है। सभापति को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर सोमवार को भाजपाइयों ने विधायक शंकर सिंह रावत के सानिध्य में राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि 17 जून 2022 के निलंबन के आदेश से पूर्व नरेश कनौजिया द्वारा स्पष्टीकरण में बताया गया था कि बट्टे के प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी स्तर पर अनुमोदन एवं निर्णय लेने के जाने के पश्चात ही पट्टा जारी करने की पत्रावली प्रार्थी के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत होती है, जिसका केवल मात्र एक ही औचित्य होता है कि सभापति होने के नाते प्रार्थी के ध्यान में लाया जा सके तथा इसमें सभापति का कोई दोष नहीं होता है। सभापति द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट था कि वह प्रशासनिक व तकनीकी ज्ञान नहीं रखते हैं, साथ ही स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जिन प्रकरणों में सभापति नरेश कनौजिया को निलंबन किया गया उनमें स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संपूर्ण पत्रावली में समस्त प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, लिपिक व अन्य द्वारा किए गए हस्ताक्षर व टिप्पणी से संबंधित संपूर्ण नाम परिषद से मांगे थे, जिस पर परिषद से पूर्ण नाम नहीं भेजे गए, जिसके चलते सरकार ने सिर्फ सभापति नरेश कनौजिया को द्वेषतापूर्वक निलंबित कर दिया। सरकार के फैसले को पलटते हुए न्यायालय ने सभापति को बहाल कर दिया, लेकिन सरकार ने बिना कोई पुनः सुनवाई का मौका दिए 16 दिसंबर को निलंबित कर दिया, जिसका सभी भाजपाई विरोध करते हैं, साथ ही सभापति कनौजिया को पुनः बहाल करने की मांग करते हैं। इस दौरान 15 दिनों के भीतर सभापति को पुनः बहाल नहीं किए जाने की सूरत में जयपुर पैदल मार्च करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने के दौरान उपस्थित भाजपाइयों ने कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी तथा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। ज्ञापन देने वालों में मंगल सिंह मोनू, वेदराज भाटी, ममता छत्रा, वस्तुनेता भाटी, मोती सिंह साकला, ऋखभ चंद खटोर, मनोज राजतंवर, भागचंद फुलवारी, शांति देवी, श्रीराज सिंह, रेखा कुमावत, बीना झवर, अंगद राम अजमेरा, रवि चौहान तथा रेखा कुमावत सहित अन्य शामिल थे। इससे पूर्व रविवार को विधायक शंकर सिंह रावत के सानिध्य में भाजपा पार्षद दल के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित पार्षदों ने सभापति नरेश कनौजिया के निलंबन पर आक्रोश प्रकट करते हुए सभापति के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया। जो ज्ञापन दिया है वो सभापति नरेश कनौजिया को निलंबित किया है सरकार ने, उस संबंध में सभी पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मिलकर के ज्ञापन किया और उसमें सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है इनको निलंबित करने की, वो मतलब संवैधानिक तरीके से न्यायपूर्ण नहीं की गई, द्वेषतापूर्ण की गई। उसका हम ताज़ा उदाहरण ये बता रहे हैं कि पहले भी इन्होंने कार्रवाई निलंबित, डायरेक्ट निलंबित कर दिया और निलंबन करने के टाइम ये हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने इनको जब कार्रवाई को अवैध माना है तो उस कार्रवाई को निरस्त कर दिया है हाईकोर्ट। और सरकार की कार्रवाई को निरस्त करना सरकार को शर्म आनी चाहिए और सरकार उस कार्रवाई के बदले में जब हाईकोर्ट ने सभापति को राहत दी और वापस सभापति ने सभापति की बीच में बिठाया तो सरकार ने दोबारा उस कार्रवाई को फिर नए सिरे से शुरू करने के लिए तुरंत उनको निलंबित करने के बाद फिर उस कार्रवाई शुरू कर दी।